मौके पर पशु कल्याण गणेश महामंडल के जानिब से ईद मिलादुन नबी के जुलूस का बेहतरीन इस्तकबाल किया गया, जिसमें मीठा तकसीम किया गया और आने वाले तमाम दारीन को पानी का इंतजाम किया गया और हर जुलूस के गुजरने पर उन लोगों को मुबारकबाद दी गई और कुछ जुलूस वालों की गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। तो बसो कल्याण एक महान गुरु का महान गुरु की धरती है, महात्मा बसवेश्वर की कर्म भूमि है, सतगुरु सदानंद स्वामी की भूमि है, सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की भूमि है। यहाँ पर कई सालों से जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा है उसकी मिसाल हर वक्त देखने को मिलती है बसो कल्याण के अंदर। और कभी भी कुछ मामला अगर हालात के हिसाब से पेश भी आया तो एक दूसरे को मिलकर हालात का समझौता कर अमन और शांति को बाकी रखने का काम यहाँ के रहने वाली पूरी अवाम करती है। ताकि खाली मैं किसी एक समाज का नाम नहीं लूँगा, पूरी बसो कल्याण में बसने वाली अवाम अमन और शांति को बाकी रखने का काम करती है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि जो है ये बसो कल्याण को किसी की नज़र ना लगे और जो है बसो कल्याण अमर और शांति का गहवारा बना रहे। ये दो बात कहते हुए मैं बसो कल्याण महामंडल गणेश महामंडल के तमाम सदर और मिंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आदाब नमस्ते, हिंदुस्तान जिंदाबाद।